और मैं हो रहा पिया। आपके यहाँ पे गर्मी शुरू हो गई है नी? मेरे यहाँ तो गाइस कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। मुझे पता है आपके यहाँ पे भी शुरू हो गई है और आप भी समर हाइक्स ढूंढने को निकले हो। ये गर्मी अपने साथ कई सारी प्रॉब्लम्स लेकर आती है, ऑयली स्किन, टैनिंग, ब्लैक हेड्स, एनलार्ज पोर्स, ये वो पता नहीं कितनी सारी चीजें। लेकिन आपको डरने की क्या है बात जब मैं हूँ आपके साथ। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली इतने बेहतरीन समर हैक्स जो आपको काम आएंगे सिर्फ ये समर सीजन नहीं अगले आने वाले कई समर सीजन में। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के समर हैक नंबर 1 से। गर्मियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम जब भी मेकअप करते हैं हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता और बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। हमारी स्किन कहीं और हमारा मेकअप कहीं और होता है। अगर आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हो तो आप ये ट्रिक आजमाएं। इसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल और आपको ऐड करना है इसमें थोड़ा सा रोज वाटर। मैं यहाँ पे DIY वाला रोज वाटर यूज कर रही हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हो। 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल पे आपको 3 टेबलस्पून रोज वाटर की ऐड करनी है। इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक ट्रे लेना है आइस ट्रे, उसमें आप इसको अच्छे से फिल कर लीजिए और इसको फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दीजिए। जब भी आपको मेकअप करना है तो फेस वॉश करने के बाद इसकी एक आइस क्यूब लेके अपने फेस पे अच्छे से रब कीजिए। इसके 5 फायदे हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली इससे आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। दूसरा आपकी स्किन इससे टोन होती है। तीसरा आपको अलग से प्राइमर यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो ये आपके लिए प्राइमर का भी काम करेगा। चौथा अगर आपके पोर साइज जो है वो एनलार्ज्ड है, बड़ा है, तो ये उसको रिड्यूस करेगा। और 5वां अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये उसको भी रिड्यूस करेगा। तो इससे आपकी एक नहीं कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मेकअप की भी और स्किन केयर की भी। बढ़ते हैं हमारे हैक नंबर 2 पे। गर्मियों में सिर्फ हमारी स्किन ही चिपचिपी नहीं होती, हमारा स्कैल्प भी ऑयली हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर दूसरे दिन अपने हेयर को वॉश करते जाए। इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है आप बताओ? ड्राई शैम्पू, राइट? बहुत ही कॉमन सा हैक है ना, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ड्राई शैम्पू को यूज करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। सपोज आपको नेक्स्ट मॉर्निंग कहीं पे जाना है, आपको पता है आपका स्कैल्प ऑयली है, आप अपने हेयर को वॉश नहीं कर सकते, आपके बालों में वॉल्यूम नहीं है, तो निकलने से पहले ड्राई शैम्पू मत यूज करो। रात में सोने से पहले आप ड्राई शैम्पू यूज करो, यानी कि सोते वक्त आप अपने स्कैल्प में अच्छे से शैम्पू को स्प्रे कर लीजिए, थोड़ा सा रब कीजिए, ब्रश कीजिए और उसके बाद में आप सो जाइए। मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो आपका स्कैल्प से जो चिपचिपाहट है, जो ऑयलीनेस है, वो कम्प्लीटली चला जाता है। आपको हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका जो बाल है उसमें वॉल्यूम भी आता है। तो ड्राई शैम्पू को यूज करने का सबसे बेस्ट टाइम है रात में सोने से पहले, ना कि निकलते वक्त। तो ये था आपका हैक, ठीक है? और अगर आपके पास ड्राई शैम्पू नहीं है तो आप बेबी पाउडर का भी यूज कर सकते हो। ये वाली टिप कॉमन थी लेकिन पहले वाला हैक वो जरूरी था, ठीक है? बढ़ते हमारे हैक नंबर 3 पे। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है एनलार्ज्ड पोर्स की। पोर्स जो है वो हमारी स्किन के लिए ऑब्वियसली जरूरी है, लेकिन अगर ये एक्सेस ऑयल सीक्रेट करने लगते हैं तो किसी किसी का जो पोर साइज है वो एनलार्ज होने लगता है और बहुत ही खराब दिखता है। अगर आपको ये लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम है तो आप ये वाले DIY आजमाएं। इसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा क्यूकम्बर का जूस, ठीक है? आपको इसमें अच्छा खासा खीरे का रस लीजिए, क्योंकि खीरा जो है वो आपकी स्किन को टाइटन करता है, लाइटन करता है, ब्राइटन करता है, हाइड्रेट करता है और टोन भी करता है। इसमें आपको ऐड करना है थोड़ा सा लेमन जूस, फिर आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा हनी। हनी आपके स्किन को सिर्फ टाइट ही नहीं करेगा, आपके पोर्स को श्रिंक ही नहीं करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा। फिर आपको इसमें ऐड करना है फाइनली थोड़ा सा बेसन कंसिस्टेंसी के लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये बिल्कुल इस तरह से पतला ही रहना चाहिए, ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। फेस वॉश करने के बाद इसकी एक पतली सी लेयर अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। आप चाहो तो इसकी सेकेंड लेयर भी आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, इससे आपकी स्किन टाइटन, लाइटन, ब्राइटन होगी, आपकी स्किन हाइड्रेट होगी, टोन होगी और आपके जो पोर्स का साइज है वो भी रिड्यूस होगा, श्रिंक होगा। इसको आप हफ्ते में कम से कम 3 बार जरूर यूज करें बेस्ट रिजल्ट के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे हैक नंबर 4 पे। गर्मियों की नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मुझे तो नहीं लगता ये गर्मियों की प्रॉब्लम है, एनी सीजन होती है यार, और वो है टैनिंग। अगर आपकी स्किन टैन हो गई है, डार्क हो गई है सन के डैमेज से, आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो गई है, स्किन टोन अनइवन हो गई है, तो आप ये वाली रेमेडी आजमाएं। इसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा मसूर की दाल। ये जो मसूर की दाल होती है ना, आपकी स्किन को सिर्फ टैनिंग ही दूर नहीं करती, आपकी स्किन को ब्राइटन अप भी करती है और आपके पोर्स को भी टाइटन करती है। तो ये मसूर की दाल को आपको लेना है, अच्छे से धोना है, कुछ देर के लिए इसको भिगो के रखें और फिर इसका जो एक्सेस वाटर है वो निकाल दीजिए और मिक्सर ग्राइंडर में इसको डाल दीजिए। फिर आपको लेना है एक बड़ा लाल, अच्छा खासा लाल टमाटर। फिर आपको इसमें डालना है थोड़ा सा दही यानी कि योगर्ट और डालना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इसको आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, ठीक है? एक बार में आपको जितना अमाउंट लगता है इसको एक बोल में निकाल लीजिए और इसमें थोड़ा सा बेसन डाल दीजिए।
कंसिस्टेंसी के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको लेके आप अपने पूरे फेस पे या नेक पे कहीं पे भी आपको टैनिंग हुई है, आप हाथों से पैरों से टैनिंग को रिमूव करना चाहते हो वहां पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। ये सिंपल सी रेमेडी आपकी स्किन में जो भी डार्कनिंग हुई है, जो स्किन टोन आपकी अनइवन हुई है, स्किन में जो टैनिंग आ गई है उसको रिमूव करती है, क्योंकि ये आपकी स्किन को सिर्फ ब्राइटन अप ही नहीं करेगी, स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगी। इसको आपको अप्लाई करना है, वेट करना है 30 मिनट्स के लिए एटलीस्ट, और उसके बाद में आप अपने फेस को वॉश कर सकते हो। ये जो मैंने बनाया है ये आप फ्रिज में 6 to 7 days के लिए स्टोर करके रख सकते हो। हफ्ते में आपको इसको सिर्फ 2 से 3 बार यूज करना है, 2 से 3 बार की यूज में ही आपकी स्किन की जो अच्छी खासी टैनिंग है जिद्दी से जिद्दी टैनिंग भी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, टैनिंग होती है, हमको पता है पोर्स एनलार्ज होते हैं, हमारी स्किन ऑयली होती है, ये सब होता है सन के डैमेज की वजह से। सन जो है वो सिर्फ गर्मियों में नहीं निकलता, ठंडी बारिश हर वक्त होता है। इससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए चाहे गर्मी हो सर्दी हो सनस्क्रीन तो मस्ट है। स्पेशली 9 से लेके 5 के बीच में आपके जो स्किन है आपके फेस पे आपके बॉडी पे सनस्क्रीन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसको बार बार रीअप्लाई नहीं कर सकते तो SPF 30, 40 या 50 के सनस्क्रीन यूज किया करो, जैसे कि ये वाव का एंटी पॉल्यूशन सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन सिर्फ आपकी स्किन को यूवी रेस से प्रोटेक्ट नहीं करता बल्कि पॉल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए ये एक एंटी पॉल्यूशन सनस्क्रीन है। सन की यूवी रेस के साथ साथ ये जो आसपास हमारे पॉल्यूशन है वो भी हमारी स्किन को डैमेज करते हैं, हमारी स्किन में एजिंग के साइंस दिखते हैं, हमारी स्किन पिगमेंटेड हो जाती है, हमारी स्किन डार्क होने लगती है, हमारी स्किन इरिटेट हो जाती है। तो अगर आप अपनी स्किन को सन और पॉल्यूशन दोनों से प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप एंटी पॉल्यूशन सनस्क्रीन यूज करें, इसमें आपको दोनों का बेनिफिट मिलेगा। इसमें सनस्क्रीन के लिए SPF 40 है जो आपकी स्किन को UVA और UVB रेस से प्रोटेक्टेड तो रखेंगे, उसके अलावा इसमें अल्टेरोमोनास फर्मेंट एक्सट्रैक्ट है। ये स्पेशली क्या करता है, जो पॉल्यूटेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हमारे स्किन के कॉन्टैक्ट में आने से रोकता है, उसको क्या कहेंगे रिपेल करता है, तो इसीलिए ये एंटी पॉल्यूशन सनस्क्रीन है। और अगर आप ये सनस्क्रीन यूज करते हो तो आपको अलग से मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, इसमें एलोवेरा है, इसमें आर्गन ऑयल है, इसमें लिकोरिश एक्सट्रैक्ट है, इसमें विटामिन B3 है। ये आपकी स्किन को नरिश भी करता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है। उसके साथ साथ ये पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, सिलिकॉन फ्री, मिनरल ऑयल फ्री सनस्क्रीन है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और तो और वाटर रेजिस्टेंट भी है, तो हर कोई यूज कर सकता है, स्पेशली सारे स्किन टाइप के लिए सूटेबल भी है। मॉइस्चराइजिंग बेनिफिट भी है, एंटी पॉल्यूशन और सनस्क्रीन का भी काम करती है, तो और क्या चाहिए आपको एक प्रोडक्ट से। ठीक है, तो इसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है कि आप इसको जरूर चेकआउट करें, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका, यहाँ तक वाव की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। सनस्क्रीन जो है हमारी स्किन केयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको कभी मत स्किप करें अगर आप अपनी स्किन को डैमेज से हमेशा प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो। तो बढ़ते हमारे हैक नंबर 6 पे। गर्मियों में अक्सर हमको अंडरआर्म्स में बहुत ज्यादा पसीना आता है, इसको कैसे कंट्रोल करना है मैंने मेरे पिछले समर हैक्स के वीडियो में आपके साथ में शेयर किया है, उसके लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, उसको जरूर चेकआउट करें। लेकिन कई लोगों का ये पसीना अपने पीछे गंदे दाग छोड़ देता है। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली अपने जो ड्रेस है उसको वॉश करने के लिए मशीन में नहीं डालें। मशीन में डालने से पहले आप लीजिए एक नींबू, आधा नींबू, उसको अपने वही स्टेन पे अच्छे से निचोड़ लीजिए, आधे घंटे के लिए वेट करें और उसके बाद में आप मशीन में डालें और वॉश करें। इससे आपका जिद्दी से जिद्दी पसीने का दाग भी निकल जाएगा। गर्मियों में अगर आप अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इफेक्टिवनेस को डबल करना चाहते हो तो अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को फ्रिज में स्टोर करो। सारे प्रोडक्ट स्टोर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 से 3 चीजें। सबसे पहले आपकी अंडर आई क्रीम, दूसरा आपका टोनर, और तीसरा अगर आपको रखना है तो मॉइस्चराइजर, उसके अलावा और कुछ नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो फ्रिज में रखने से या कूल टेम्परेचर पे रखने से उनका इफेक्टिवनेस उल्टा कम हो जाता है, तो इसलिए ध्यान रहे आपको सब कुछ नहीं रखना है, सिर्फ ये 2 से 3 चीज भी रखोगे तो चलेगा। अंडर आई क्रीम फ्रिज में रखने का बेनिफिट ये है कि इससे आपके डार्क सर्कल्स रिड्यूस होगी, आपकी पफिनेस भी रिड्यूस होगी। टोनर अगर आप फ्रिज में रख के यूज करोगे तो इससे आपकी स्किन सिर्फ टोन नहीं होगी, आपकी स्किन से ऑयलीनेस की प्रॉब्लम रिड्यूस होगी, आपके पोर्स का साइज रिड्यूस होगा, प्लस आपकी स्किन जो आपका चेहरा जो है बिल्कुल फ्रेश लगेगा। तो सब लेकर आके आपको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं, अलग से जगह बनाने की जरूरत नहीं है, जहां जगह मिल रही है वहां चुप से 2 प्रोडक्ट रख दो, वरना आपकी अम्मी आपको पकड़ के मारेगी, कहेगी कि फ्रिज भी आपको भी पसंद हो रही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे ब्यूटी हैक नंबर 8 पे। इस गर्मियों के सीजन के लिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक DIY नाइट क्रीम, जो आपकी स्किन को सिर्फ नरिश नहीं करेगी, आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर भी करेगी। इसके लिए आपको लेना है एक मिक्सर ग्राइंडर, इसमें आपको ऐड करना है थोड़ा सा फ्रेश क्रीम। घर की मलाई अगर आप लोगे तो वो थोड़ा ज्यादा ऑयली लगेगी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रेडीमेड जो अमूल की फ्रेश क्रीम आती है वो लीजिए। फिर आपको इसमें ऐड करना है थोड़ा सा दही, गाढ़ा दही आपको इसमें ऐड करना है, और ऐड करें सिर्फ एक छोटा सा चम्मच ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून के तेल का। फिर इसमें ऐड करें थोड़ा सा रोज वाटर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर।
थोड़ी सी नहीं थोड़ा ज्यादा ही हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर दीजिए और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दीजिए। बहुत ही अच्छी क्रीम है, ट्रस्ट में। ये सिर्फ आपकी स्किन को नरिश ही नहीं करेगी, आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि पिगमेंटेशन को दूर करेगी। सिर्फ एक हफ्ता लगातार आप इसको यूज करके देखो, सिर्फ रात में आपकी स्किन इससे इतनी हाइड्रेटेड हो जाएगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी, नरिश लगेगी, प्लस आपकी जो कॉम्प्लेक्शन है वो ब्राइटन अप दिखेगा। अगर आप इसको रेगुलर यूज करोगे तो आपके स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम भी रिड्यूस होगी। DIY भी है, बहुत ही इफेक्टिव भी है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, उसको जरूर ट्राई करें। फाइनली मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा DIY टोनर जो आपकी इस गर्मियों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर ही रखेगा। और इसके लिए आपको लेना है एक पैन, इसमें ऐड करना है एक ग्लास पानी। इसको गर्म होने दीजिए, जब ये अच्छा खासा गर्म हो जाए या बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए तब इसको गैस से उतार दीजिए। और फिर इसमें ऐड करें फ्रेश मिंट लीव्स, जो पुदीने के पत्ते होते हैं वो आपको इसमें ऐड करना है। और फिर ऐड करना है ग्रीन टी के बैग को, उसको आपको कट करके उसकी जो लीव्स होती है उसको लेके आपको इसमें डाल देना है। आधे घंटे के लिए इसको साइड में रख दीजिए, आधे घंटे बाद इसका अर्क जो है वो इसमें आ जाएगा, लेकिन फिर भी अभी कंप्लीट नहीं है। इसको आपको ग्राइंडर में डालना है और उसको अच्छे से बारीक पीस लेना है, ठीक है, और फिर इसको छान लीजिए। ये रेडी हो गया आपका DIY टोनर इस गर्मियों के सीजन के लिए। ये सिंपल सा टोनर आपकी गर्मियों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे ऑयलीनेस को दूर करेगा। अगर आप इसको फ्रिज में रख के यूज करोगे तो आपकी स्किन को इंस्टेंटली फ्रेशन अप भी करेगा, आपके पोर साइज को रिड्यूस करेगा, आपकी स्किन को टोन करेगा, आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम को हमेशा दूर रखेगा, आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन अप करेगा और आपके चेहरे पे ग्लो भी देगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव टोनर है, इसको जरूर बना के यूज करें इस गर्मियों के सीजन के लिए। सो गाइस, ये थे वो ऑसम से समर हैक। समर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है और उससे रिलेटेड बहुत सारे बढ़िया बढ़िया टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स भी मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करें और लगे हाथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए। मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक लेटे केयर है, बाय बाय।